रात को सर कैसे बात है सर, एक बार आइए थोड़ा बच्चों को बता दीजिए क्या तैयारी करनी क्या नहीं करनी। थोड़ा आज मैंने उनको बुलाया है तो सर विशेष सर प्लीज आइए थोड़ा। मेरा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, मेरी तैयारी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, कई सारी एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई हूँ, ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ। मेरा एक जो अनुभव रहा है उसके अंतर्गत मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं शिक्षित कर पाऊँ, उनके मुकाम तक पहुँचा पाऊँ। जैसे राज सर का कोई ऐसा मोटो नहीं है कि मुझे बहुत सारे बच्चों को फिजिकल की तैयारी करानी है या बहुत सारा पैसा कमाना है। मेरा भी कोई ऐसा विशेष उद्देश्य नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मेरे पास मेरा नॉलेज है, मेरे पास अगर वो चीज़ें हैं जो किसी के काम आ सकती है तो मैं उसको उसके आप में से लगभग लोग तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन तैयारी देखिए हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम क्या डिफरेंट करें जो 5 लाख लोग या 4 लाख लोगों में हमें आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फाइट करनी होती है, तो हम क्या डिफरेंट करें जो वहाँ पहुँच जाए। दिक्कत ये होती है कि अलग अलग तैयारी के लिए अलग अलग सिनेमा हम रखते हैं। एक समस्या ये करते हैं, जैसे यहाँ पर एक कोचिंग होने एक नया व्यापार खोल रखा है कि कॉन्स्टेबल की तैयारी के लिए अलग लेवल से पढ़ाना है क्योंकि कम फीस देते हैं, फिर SI की तैयारी के लिए एक अलग लेवल से पढ़ाना है क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा फीस देते हैं, फिर एक MPPSC के लिए अलग पढ़ाना है क्योंकि वो एक अलग फीस देते हैं। फीस क्राइटेरिया करने के बाद, मैं खुद एक PhD होल्डर हूँ, मेरा खुद 2021 में जाकर PhD कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा ये अनुभव रहा है कि हम जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं उसको बहुत सोच समझ कर करें, हम देखें कि क्या हमें अंतर आएगा क्या नहीं आएगा। हमने इसके लिए ना कोई कांस्टेबल का बैच और ना ही SI का बैच, हमने कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बैच चलाया। कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब ये है कि जो अपनी आवश्यकता है, अगर आपको लग रहा है कि आप ग्रेजुएट स्तर पर हैं तो एक अलग स्तर पर तैयारी करेंगे या आप 12th स्तर पर एक अलग तैयारी करेंगे। क्यों ऐसा? जैसे सपोज़ आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कांस्टेबल की तैयारी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ साथ SI वाले भी बैठते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो फॉर्म नहीं डालेंगे। आप में से भी कई लोग होंगे जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आर्मी की तैयारी करने वालों के साथ साथ SI की तैयारी करने वाले भी फॉर्म डालते हैं। अब उनका एक एजुकेशन जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं कोचिंग बैलेंस ख़राब कर रही है। एक स्तर से पढ़ाया जाए तो हर स्टूडेंट के लिए दिक्कत नहीं जाए। हमने इसके लिए कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही एक फ़ायदा किया है स्टूडेंट का कि एक जैसा सबको पढ़ा रहा है। अब उसमें ये हो रहा है कि अगर नॉलेज आपको थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बुराई तो है नहीं। हमने ये किया है कि SI स्तर का आपको पढ़ाया जाएगा, उससे नीचे स्तर का पढ़ाना ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाना है? क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि हमें उस स्तर तक पहुँचना है तो हमें उस स्तर की तैयारी करके रखनी पड़ेगी। मैंने जो अभी ऑफलाइन क्लास 4 महीने से नहीं चल पा रही, कई बच्चों का इरेगुलरिटी आई, उसके लिए कभी ऑनलाइन क्लास शुरू की है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होती है। उसमें आप डेमो क्लास लेकर देख सकते हैं, उसमें आप रेगुलर क्लास लेकर देख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं। मेरे पास बाकी की भी फैकल्टी है, सब कुछ है, लेकिन अभी COVID-19 की वजह से फैकल्टी भी बाहर है, मैं अकेला जो क्लासेस हैं वो ले रहा हूँ। जितनी GS की क्लासेस हैं वो लगभग क्लासेस मैं ले रहा हूँ। मेरे यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी, मैथ के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है। कई सारी कोचिंगों में ये होता है कि एक फैकल्टी है सारे सब्जेक्ट ले रही है, वो पढ़ा रही है, सारा काम वही ख़त्म कर दे, वो वाली चीज़ें नहीं रखी है। क्यों? क्योंकि एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें देना है। तो आप लोग जितने लोग भी तैयारी करें, ज़रूरी नहीं कि मुझसे पढ़े या मुझसे ही एक तैयारी करें, आपका एम आप जब डिसाइड करें तो आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए तैयारी की वो ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। मेरे यहाँ हर स्टूडेंट टेस्ट पूरे साल होता है, आप किसी भी बैच, UPSC बैच का अलग है, सेपरेट बैच चलता है, जो MPSI बैच है वो अलग बैच चला रहा है, कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बैच है वो बिल्कुल ही अलग चल रहा है। सबके अपने अपने टेस्ट होंगे, जो जिस बैच में चल रहा है उसका टेस्ट होता है। तो ये एक हमने एक कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर चले। जिस किसी के भी पास मोबाइल उपलब्ध हो या वो क्लास लेने का इच्छुक हो उसको मैं डाउनलोड
डाउनलोड कर लें, और एक मेरे पास एक भाई या हेलो करा पाया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन से अंदर और एक क्वेश्चन से बाहर हो जाते हैं। इस वजह से मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप पढ़ें। ज्ञान कभी ख़राब नहीं जाता, वो किसी भी स्तर पर हो या किसी से भी मिले। हमें कभी कभी एक रास्ता चलते एक छोटे से बच्चे से भी कोई ज्ञान मिल जाता है, तो बुराई नहीं है, क्योंकि जहाँ बटोरने का मिल जाए वहाँ बटोर लेना चाहिए। तो मेरा ये मानना है आप लोग अच्छे से तैयारी करें और बेस्ट ऑफ लक सभी के फ्यूचर के लिए। आप सभी लोग लगे रहे आपके एम के लिए। और सर से थैंक्स बोलते आए हम, सर काफ़ी दिन से जुड़े हैं, सर को भी, संजीव सर को भी थैंक्स कहूँगा। ये मेरा ब्राउज़र है, मैं आपको दे दे रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। सभी लोगों को जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज जैसा कि यादव सर ने बताया, ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से भी ले सकते हैं। इन बातों को आप अपने घर में अगर गौर से देखेंगे, आप अगर थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड पढ़े होंगे, कुछ करे होंगे, किसी के फादर को पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उनकी जो स्किल होंगी वो आपसे कहीं बेहतर होंगी। अगर जैसे आप लोग, काफ़ी लोगों को रोटी बनाना आता होगा, शायद नहीं आता होगा, लेकिन आपकी मदर जो रोटी बना रही हैं वो आप देखेंगे उनकी परफेक्शन में और आपकी परफेक्शन में बहुत फ़र्क है, क्योंकि उसी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप उससे मत सीखें कि मुझे भी ऐसा करना है, आप उसे सीखें कि किस लगन से वो आपको 365 डेज आपको परोस रही हैं और आप कैसे उसको ले रहे हैं। इसी तरीके से जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे उसमें मैंने बोला, आप अपनी तैयारी को 100% की ओर लेने का हमेशा टारगेट रखें, क्योंकि मन में जैसे 1% विचार आया कि नहीं आज थोड़ा सा आलस कर लेते हैं, कल कर लेंगे, ऐसा कल मालवीय सर ने बोला, हमें कल के ऊपर काम छोड़ना ही नहीं है। आज एडवांस में ख़त्म करके आज कंफर्टेबल कल का प्लानिंग करके रखना, ऐसा कल सर ने बताया, जीवन में ऑप्शन रखना ही नहीं, स्नूज बाद में हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कोरिलेट कर रही हैं, कल पे छोड़ना या चलो बाद में कर लेंगे, वो काम करना ही नहीं है। अगर COVID-19 में जो लॉकडाउन है इसको अगर एक देखेंगे कि यार थोड़ा तकलीफ भरा काम था, तो आपके माइंड सेट के ऊपर है कि आप इसको कैसे लेना चाहते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव में लेना चाहते हैं, जब भी आपके पास कोई भी फालतू का टेंशन नहीं है, ये करो वो करो, सिर्फ एक जगह कोर फोकस करना है आपको, अपनी तैयारी, एक आपका जो फिजिकल सुबह में सर करा रहे हैं उस पर 200% ध्यान दीजिए, और प्रिकॉशंस रखिए जो भी आपको इंजरीज वगैरह नहीं हो उसके रिगार्डिंग। और घर पर जाने के बाद आप स्टडी का एक रूटीन चार्ट बनाइए जैसा सर ने बोला, और उस पर कोर फोकस करिए। आप ये लक्ष्य लीजिए कि अगले 15 दिनों बाद कोई एग्ज़ाम होना है, कोई मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह लेके उसको कंटिन्यू खुद को एसेस करके देखिए आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपका पासिंग परसेंटेज कितना जा रहा है। फिर कुछ पुरानी हिस्ट्री उठा के देखिए कि कितना पासिंग परसेंटेज रहा है, कितनी पे मेरिट गई है। जब ये सब चीज़ें दिमाग में रहेंगी, सिर्फ हम लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं, क्योंकि दौड़ना एक सेकेंडरी है, अल्टीमेटली जब आप एलिमिनेट होंगे तो वहाँ पर पढ़ाई भी मैटर करेगी। इसी तरीके से जो हम दौड़ रहे हैं, तो आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, तो कुछ ऐप भी आते हैं, आप उसके ऊपर अपना खुद का डाटा एनालिसिस करिए कि मैं 1 महीने पहले दौड़ रहा था तो मेरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, आज दौड़ रहा तो 2.5 हो गई, मतलब अपनी बढ़नी चाहिए ना कि कम होनी चाहिए। और आपका वेट वगैरह बाकी चीज़ें उसको रूटीन में मेज़र करते रहिए। आपका फोकस आपके चारों ओर होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि कोविड में जो मेरा 4 महीना गया है, आगे आने वाला 4 महीना और जाएगा, उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, और ताकि हम जो भी नई वैकेंसीज आएंगी उसको मिनिमम अटेम्प्ट में हम लोग उसको अचीव करेंगे। यही मेरी आपके लिए सजेशंस हैं, और आप लोगों को फिर से धन्यवाद, और आप लोगों को फिर से बोलेंगे दुगने जोश के साथ आप तैयारी में जुट जाइए, थोड़ा सा भी आलस नहीं, मौसम बहुत अच्छे हैं, गर्मियाँ निकल गई हैं, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर ने बता दिया जो भी ऐप भेज देंगे आपको, अगर आपकी कोई डेमो लेना चाहता है
तो ब्राउज़र दे दे रहा हूँ उसको, मेरा नंबर लिखा नंबर मैं सारे अर्जेंट नंबर ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, तो जिसको भी चाहिए होगा, जिसको भी डेमो लेना चाहता है तो उसका नंबर मेरे से मांग लीजिए, एडमिन जो दे रहा हूँ जिसको लगे उसके पास हो जाएगा। आप मुझे सिर्फ आपका नाम, बाकी कुछ नहीं। मैं एक डेमो ग्रुप मैंने खुद भी अलग बना रखा है, तो उस पर क्या होगा कि उस जैसे ही आपका ऐड होगा मैं उस पर लिंक सेंड करता हूँ, ना कोई पासवर्ड है ना कोई आईडी है, डायरेक्टली लिंक है, और लिंक जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको सामने में दिख जाएगा, बस ये होगा। क्योंकि कंटिन्यूसली 6 बजे 6:05 मुश्किल से होती है, 6 या 6:05 जो कोई कनेक्टिविटी का कोई अगर इशू रह जाए बस यही रहेगा, तो आपको लिंक उसी टाइम पर शो होगी। 40 मिनट का एक उसमें सेशन होता है रूम ऐप पर, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाता, 40 मिनट के मैं स्लॉट में लेता हूँ। जो आपको कल पढ़ाया पहले स्लॉट में वो होता है कि जो आपने कल पढ़ा था वो आपको कितना गेन हुआ, कितना याद हुआ, कितना आप कहाँ तक पहुँचे उस पर जाते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले सेशन में जो जाते हैं उसमें ये होता है कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, उसमें क्या समझ में आया, और ये रख लीजिए अपने पास, फिर से पढ़ के बता देना। बराबर इस तरह पर आप बहुत सारे बच्चे जो हैं कि आप धीरे 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 उनको पता चलता है।